हाय फ्रेंड्स, अभी हम जो रिव्यू कर रहे हैं गंट्री डिलाइट का देसी दानेदार घी, वीडियो बनाने का पर्पज यह है कि आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड बेसिक जानकारी देना सो दैट आप डिसाइड कर पाए कि आपको ये लेना है या नहीं लेना। और फ्रेंड, अगर आपको ये बाय करना हो तो मेरा कोई रेफरल लिंक होगा कंट्री डिलाइट का, आप वहाँ पे भी जाके इसको परचेज कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने इसको कंट्री डिलाइट की ऐप से बाय किया था और वहाँ पे इसका जो MRP है 699, तो उसमें जो प्राइस दिखा रहा था 639 का प्राइस दिखा रहा था और प्लस मुझे कुछ कैशबैक भी मिला। तो आप भी हो सकते कि आप मेरे जो लिंक दिया होगा वहाँ पे आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं, या दूसरे प्रोडक्ट भी होंगे जैसे एग्स हो गए या ब्रेड होगी, आप पे डिपेंड करता है कि आपको लेना है या नहीं लेना, और कोकोनट का इनका जो हो गया वाटर हो गया वो सब मिलता है। तो बाकी दिस विल डिपेंड कि वो बात की बात है। फिलहाल अगर आपको परचेज करना हो तो मैंने इसके ऐप का जो रेफरल लिंक होगा वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। तो फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हैं ये इस प्रकार के पैकेजिंग में आता है, ये सील्ड पैक है, अभी तक मैंने इसको अभी ओपन नहीं किया, जैसे आया वैसे का वैसे दिखा रहा हूँ मैं। और वैसे भी ये IIM के जो एलुमनी है जो उन्होंने MBA वगैरह कर रखी होगी तो उनकी यही उनके द्वारा ही उनके मतलब जो कंट्री डिलाइट है या ब्रांड नेम है तो उनके ये बनते हैं वैसे। तो मेरे को सबसे अच्छी बात क्या लगी, ये जो जार है ना ये प्लास्टिक का जार नहीं है, ये जो है कांच का बना हुआ है। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपको मान लो कि घर में अचार बनाना हो तो आप नींबू का अचार डाल सकते हो या दूसरा, वो चलो बात की बात है, एक बेनिफिट है, मेरे को एक प्लस पॉइंट लगा। और बाकी ये है कि क्वालिटी पे तो जाना ही जाता है, जहाँ तक तो ये येलो कलर दिखा रहा है तो जहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि ये काऊ के मिल्क से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो काऊ के मिल्क से बनते हैं ना वो येलो कलर के होते हैं, बट इसमें कहीं लिखा तो नहीं है, बट फिर भी चलो कोई नहीं। और ये देखिए 699 इसका MRP है और शायद अक्टूबर मंथ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी, तो अभी फिलहाल जो मंथ चल रहा है वो नवंबर का चल रहा है, यानी कि लेटेस्ट वाला पीस ही मेरे को डिलीवर हुआ है, तो मेरे को नेक्स्ट डे ही डिलीवर हो गया था जो मैंने स्लॉट बुक किया था ऑनलाइन। तो फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हैं ये है, और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप घी बाय करते हैं तो 12 महीनों के अंदर अंदर कंज्यूम कर लेना, 12 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो फिलहाल अभी इसको हम ओपन करें या साइड साइड से दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, आप बताओ अगर आपने ऑलरेडी ये यूज़ किया हुआ है तो अपना जो फीडबैक है ना, वैल्यूबल फीडबैक, कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मैं आमतौर पर हर प्रोडक्ट की कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, जरूरी नहीं है कि स्पीकर्स की ही बनानी है और इसके कंप्यूटर पार्ट्स की भी बनाता हूँ, बट अच्छी चीज़ है वो मैं दिखाना जरूर चाहूँगा। तो फिलहाल अभी हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, सील्ड है दोस्तों, तो मेरा कोशिश है कि फोकस जो रहे इस पे रहे, क्या कहते हैं प्रोडक्ट पे। तो ओपन करते हैं, जी मैंने ओपन कर दिया है, ये देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, सील्ड बैग है। अब आपको पता चल जाएगा कि किसी ने इसको टेम्परिंग करी है या नहीं करी, तो मेरे को तो प्रॉपर सील्ड बैग दिख रहा है। और साइड से खोलते हैं कहीं से ऑप्शन हो खोलने का, ये देखिए वाओ, ये देखो टेक्सचर देखो आप, मेन बात क्या है आप टेक्सचर देखो। और माना जाता है जो प्योर देसी घी टाइप में होते हैं वो आमतौर पे जमते नहीं है, देखो अभी सर्दियों का मौसम है और मेरे को देखो लुक में कितना चला, मैं क्यों स्मेल कर लेता हूँ 2 सेकंड के लिए, वाओ ये तो मेरे को बचपन के दिन याद आ गए जब मेरे फैमिली मेम्बर देखा जाए मक्खन से घी बनाया करते थे, तो उसी टाइप की लग रही है। बाकी मैं प्लेट लाया हूँ और दिखाता हूँ आपको, स्पून भी मैं ले आया था, ये देखिए पहली बात तो ये देखो दानेदार है, तो ये तो ओरिजिनलिटी की निशानी है, अगर देखा जाए ये ओरिजिनलिटी की निशानी है अगर दानेदार है, क्यों देसी घी जो होता है आमतौर पर वो दानेदार ही होता है। बाकी अब ये डिपेंड करता है जब हम इसको टेस्ट करेंगे ना दाल वगैरह पे, पल्सेस पे, जैसे हम खाते हैं घर पे या परोंठे खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा जो है घी जो है मैं यहाँ पे डालता हूँ प्लेट पे, उससे आपको कुछ आइडिया लग सके, ये देखिए है ना लाजवाब। अगर आपने इसको कंज्यूम किया हुआ है फ्रेंड, अपना फीडबैक जरूर देना। और बाकी मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा ये वेस्ट हो गया, बट एनीवे आपकी वीडियो बनाने के लिए किया ताकि आपको कुछ अच्छे प्रोडक्ट दिख सके समझ सके, क्योंकि मार्केट में देखो हो सकता है कि आप देसी घी कंज्यूम कर रहे हो, ओरिजिनलिटी का क्या कैसे हो सकता है, समझ रहे हो ना, ओरिजिनल भी हो सकते हैं कुछ डुप्लीकेट भी होते हैं, कभी पता भी नहीं चलता। बट ये जो है ना इसमें जो कंपनी है वो डायरेक्ट आपको सप्लाई करा रही है, कोई बीच में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है
बीच में कोई रिटेलर नहीं है। कंट्री डिलाइट जहां तक मेरे को नॉलेज है वो डायरेक्ट आपको सप्लाई करती है, जहां तक मेरे को नॉलेज नहीं। तो अधिक जानकारी के इनके लिए इनके कस्टमर केयर से बात कर लेना, मैं तो इतना ही कर सकता हूं, आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी। तो मेरा जो पर्पज था आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी देना वो ऑलमोस्ट पूरा हुआ। बाकी जो अधिक जानकारी पूछना हो प्रोडक्ट के बारे में और तो आप इनके कस्टमर केयर पे बात कर लेना, इतना ही मैं कर सकता हूँ। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा प्रोडक्ट, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और बाकी मेरे को थोड़ा इसका बचपन के दिन याद आ गए जब घर में देसी घी बनता था पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। एनीवे मेरा जो पर्पज था आपको घी से रिलेटेड जानकारी देना वो ऑलमोस्ट पूरा हुआ। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने ऑलरेडी कंज्यूम किया हुआ है अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना, बेल आइकन पे ऑल पे जरूर क्लिक करना। और अगर आपको बाय करना हो तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया होगा, मैंने अपना रेफरल लिंक दिया होगा। और हो सकता है कि कोई कैशबैक हो तो आपको डेफिनेटली मिल भी सकता है डिपेंडिंग ऑन टाइम टू टाइम। मेरे को तो 200 रुपये मेरे को मिले थे तो मेरे लिए तो काफ़ी किफ़ायती रहा। अब आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, बाकी क्वालिटी तो अच्छी लगी रही है। एनीवे मेरा जो पर्पज था आपको घी से रिलेटेड जानकारी देना वो ऑलमोस्ट पूरा हुआ। आई होप यू विल लव दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगती है तो उस पर लाइक बटन में जरूर क्लिक करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। Thank you.